सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि गाइस आज मेरे पास मेरे दोस्त का अकाउंट है और आज हम उसके ऊपर प्रैंक करने जा रहे हैं। जैसे आप लोग बैकग्राउंड में देख ही सकते हो भाई, इसका अकाउंट कितना खतरनाक है। इसके अकाउंट में कितने सारे इवोगन मैक्स हो रखे हैं और गाइस इस बंदे ने अपनी आईडी के अंदर चार चार मैजिक क्यूब ऐसी बचा के रखे हैं और उसने 40 से भी ज्यादा बंडल्स रखे हैं। अब आज हम लोग प्रैंक करने जा रहे हैं। जितने भी आप लोग क्रेट देख रहे हो, ये सारे बंडल देख रहे हो गाइस, हम ये सभी ओपन कर देंगे और सारे मैजिक क्यूब भी वेस्ट कर देंगे। और ये सारे बंडल्स को कलेक्ट करने से एक साल से भी ज्यादा का समय लग गया। अब यार एक साल की मेहनत हम लोग यहाँ पे 10 सेकंड में ओपन कर देंगे और फिर देखेंगे यार इस बंदे का रिएक्शन क्या होने वाला है, क्योंकि इसके आईडी में इतनी ढेर सारी चीजें हैं, हम लोग सभी वेस्ट कर देंगे। मतलब टोटली आज की वीडियो गाइस बहुत ज्यादा ही खतरनाक होने वाली है। आप लोग इस बंदे का रिएक्शन तो देखना, वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। और आज की वीडियो गाइस मैं उन लोगों को सीख देने के लिए बना रहा हूँ जो कि अपनी आईडी ऐसे किसी को भी दे देते हैं। गाइस आप लोग अपनी आईडी किसी को मत दिया करो, चाहे फिर वो कोई यूट्यूबर हो या आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो। मैं आपको पहले ही बता दूं, इसकी आईडी में बहुत ज्यादा टॉप अप हो रहा है, तो इसको देख के आप लोग अप करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे पता है आप लोग अभी अपने पैसे अर्न नहीं कर रहे। तो अगर आप लोग पैसे अर्न नहीं कर रहे हो तो भाई उन्हें वेस्ट भी मत करो गेम के अंदर। और ये सब बस मैं आपके फायदे के लिए ही बोल रहा हूं। और गाइस जैसे कि आप लोगों को पता होगा, 9 लाख पे तो मैं रिडीम कोड का गिव अवे करा था पूरे 4,000 रुपए का, लेकिन गाइस इस बार 1 मिलियन पे बहुत बड़ा गिव अवे होने वाला है। उसमें आपको फ्री फायर से लेकर रियल लाइफ तक की बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, और उसमें अगर आप लोग एक बार पार्टिसिपेट हो गए तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितनी ढेर सारी चीजें मिलने वाली है। और गाइस पार्टिसिपेट करना भी इतना आसान है कि इसको कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कितनी भी बार पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। सो गाइस पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक कर देना है, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना है, थर्ड आप लोगों को इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। आपके जितने भी दोस्त फ्री फायर खेलते हैं उनको इस वीडियो का लिंक भेज देना है, और आप लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करोगे आपके जीतने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। और फोर्थ और सबसे मेन स्टेप, आप लोगों को वीडियो के नीचे कुछ भी अच्छा सा कमेंट कर देना कि आपको वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। और यूआईडी देने की जरूरत नहीं, मैं आपको खुद कॉन्टेक्ट कर लूंगा अगर आप लोग विनर निकलते हो। तो गाइस सिंपल से काम करके आप लोग भी हमारे 1 मिलियन के स्पेशल गिव अवे में पार्टिसिपेट हो जाओगे। और देखो 1 मिलियन में मैं फेस रिवील भी करने वाला हूँ। अब देखो तुम्हारे हाथ में, तुम लोग जितना जल्दी 1 मिलियन करा दो उतनी जल्दी तुम लोग मेरा फेस देख पाओगे। अब देखो इस बंदे का कलेक्शन तो यहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन गाइस आप लोगों को यहाँ पे ज्यादा कुछ खास नहीं लगेगा। हाँ 2-4 रेयर बंडल है, लेकिन गाइस यहाँ पर ज्यादा कुछ खास नहीं है। लेकिन गाइस अभी जो इसका कलेक्शन है एकदम नूब टू प्रो होने वाला है भाई, इतना ढेर कलेक्शन इसका हम लोग भर देंगे और भाई एकदम पूरे बंडल्स ही बंडल्स ला देंगे। तो गाइस अभी जितनी भी वॉल्ट में चीजें हैं हम सभी को ओपन कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग मैजिक क्यूब वेस्ट करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहली चीज आती है यहाँ पे क्रेट, जो कि 20 ड्रैगन AK की क्रेट्स हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोग सभी ओपन कर लेते हैं। वैसे इस बंदे का पहले से परमानेंट गन है, जाहिर सी बात है यहाँ पे तो हमें स्कैनर ही मिलने वाला है। मैं सोचा था भाई कुछ और मिल गया तो मजा ही आ जाएगा। अब यहाँ पे AK के टोकन की क्रेट था भाई, इसको भी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि आज कुछ नहीं छोड़ने वाले भाई। जब ये आईडी खोलेगा ना सच्ची में शॉक होने वाला है। तो गाइस अभी बारी आती है बंडल्स की, तो हम लोग यहाँ पे सारी बंडल्स को ओपन करने वाले भाई। मैं तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना कि हम यहाँ पे कितने ढेर सारे बंडल्स ओपन करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई कितने ढेर सारे बंडल्स है, हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी ओपन करते हैं भाई। टाइम बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, जल्दी जल्दी ओपन करना है, कहीं आईडी ओपन निकल ले। अब गाइस मैं आप लोगों को चैलेंज देता हूँ, आप लोग गैस करके बताओ यहाँ पे मैं टोटल कितने बंडल्स ओपन करूंगा, और जिसका सही आंसर देगा उसको मिलेंगे 500 डायमंड। मतलब इस वीडियो में मैं जितने भी बंडल्स खोलने वाला हूँ इंक्लूडिंग द मैजिक क्यूब बंडल, आप लोगों को सभी कुछ काउंट करना है और कमेंट में बता देना है। और गाइस अगर आप लोगों को आगे ऐसी प्रैंक वीडियोस चाहिए तो गाइस आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर करो, क्योंकि अगर इस वीडियो पे आते हैं 50,000 लाइक तो गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैंक वीडियो लाऊंगा। अब देखना ये कि आप लोग इतना सपोर्ट करोगे कि इस वीडियो में 50,000 लाइक आप लोग कंप्लीट करा दो। लेकिन यार कुछ भी बोलो, मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर इतने तो अच्छे हैं, अगर मैं बोलूंगा 1 लाख लाइक को भी तो वो उतने भी कंप्लीट करा देंगे। तो 50,000 तो आपके लिए एक छोटा सा टारगेट है, तो वो तो मेरे सब्सक्राइबर आराम से कंप्लीट करा ही देंगे, ये बात तो मैं गारंटी से कह सकता हूं। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो भाई इलाइट पास से लेकर इवेंट तक के या फ्री के बंडल सभी कुछ आप लोग यहां पर देखने को मिल जाएगा। इस बंदे ने कुछ भी ओपन नहीं करा था भाई, इतने खतरनाक इसके मैं बंडल्स ओपन करे जा रहा हूँ यहाँ पे। यार ये बंदा बोलेगा क्या यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ यार ये बंदा शॉक हो जाएगा या फिर गुस्सा हो जाएगा। यहाँ पर हमने बहुत सारे बंडल्स ओपन कर लिए भाई, यहाँ पे बंडल ओपन करते करते थक गया, लेकिन यहाँ पे बंडल खत्म ही नहीं हो रहे। यहाँ पर हम लोग कुछ और वेस्ट करते हैं, यहाँ पर इसके बाद मैजिक क्यूब भी तो थे ना, और यहाँ पर बहुत सारे बंडल्स भी आए नए नए। तो गाइस हम लोग यहाँ पर बहुत सारी खरीदारी कर देंगे, मतलब इस बंदे के भाई सारे मैजिक क्यूब उड़ाने वाला हूँ। यार ये बंदा बोलेगा क्या भाई, यार ये वाला बंडल तो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, ये वाला बंडल सबसे पहले लेते हैं भाई। यहाँ पे एक मैजिक क्यूब तो इस बंदे का वेस्ट हो चुका है। यहाँ पर हम लोगों से तो भाई वेट बिल्कुल भी नहीं होता, हम लोग तो यहीं पे इसको ओपन कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर देखते कौन सा और बंडल ले सकते हैं हम लोग। गाइस यहाँ पर एक और बंडल है जिसका नाम है बायोफॉर्ज बंडल। ये बंडल यार पहले बहुत ज्यादा रेयर था, तो गाइस हम लोग अभी इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने टोटल 2 मैजिक क्यूब इस बंदे के ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है। तो गाइस हम देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी हमारे लेने लायक है भाई। यार ये बनी बनी का बंडल हम लोग नहीं ले रहे हैं, हम लोग लेंगे यहाँ पे अज्जू भाई वाला बंडल, मतलब कि हमारा फुल लेदर बंडल। और मैं सोच रहा हूँ इसका नाम चेंज करके कुछ टट्टी वट्टी सा रख दूं। अरे ज्यादा सोचने की जरूरत है क्या, इसका नाम ही टट्टी रख देता हूँ।
तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना तीसरा मैजिक क्यूब होता है उसे भी वेस्ट कर दिया भाई। यहाँ पर अज्जू भाई वाला बंडल निकाल लिया, तो गाइस अभी एक मैजिक क्यूब बचा है उसको भी हम लोग वेस्ट कर देते हैं। अभी यार यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा गाइस हमें कौन सा बंडल लेना चाहिए यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हो ये तो सारे बेकार है। लेकिन यहाँ नीचे जब हम लोग जाते हैं तो गाइस यहाँ पर और भी सारे बंडल है, जैसे किंग्स वॉर्ड बंडल, फिर स्टार जनरल और टॉप गेमर और आइस एज वाला, यार ये भी अच्छा लग रहा है। तो गाइस हमें इनमें से कौन सा लेना चाहिए? अब यार मैं तो ऐसे सोच में पड़ गया था भाई कौन सा बंडल लो, एंड फाइनली गाइस यहाँ पर मैं ले लेता हूँ स्टार जनरल बंडल। अब ये सारे बंडल्स लेने के बाद देखते हैं गाइस आईडी का कलेक्शन कितना अच्छा हो जाएगा। और जहां तक मुझे लगता है गाइस अभी हमने टोटल 50 से भी ज्यादा बंडल्स यहाँ पे ओपन कर दिए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा गाइस हमारे जो एफएफ टोकेंस है वो भी बहुत ज्यादा रेयर हो चुके हैं, तो गाइस हम लोग इसको भी वेस्ट कर देते हैं। सोच रहे हैं यहाँ पे क्या लूं, यहाँ पर मैं परचेस कर लेता हूँ डायमंड रॉयल वाउचर्स। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गाइस मैं आप लोगों को एक बंदे के चैनल का लिंक दे दूंगा, आप लोग प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस वो बंदा भी खेल रहा है बहुत ही लो एंड डिवाइस पे, एंड गाइस उसे भी सपोर्ट की जरूरत है, तो आप लोग प्लीज उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया। गाइस यहाँ पर हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा मैं इसके एफएफ टोकन उड़ा दिए, उसके बाद रैंक टोकन भी उड़ा दिए, एंड यहाँ पर थोड़े से डायमंड खर्च कर देते हैं। देखो ये बात तो मुझे भी पता है, इसके आईडी में ज्यादा तो कुछ डायमंड थे नहीं, क्योंकि यार मैं भी ज्यादा टॉप अप नहीं करता हूं, इसलिए मैंने भी इसके आईडी में टॉप अप नहीं करा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो मैं ऐसा करूं तो आप लोग इस वीडियो में 50,000 लाइक कंप्लीट करा दो, नेक्स्ट प्रैंक इससे भी खतरनाक होने वाला है। तो हमारी MP40 तो परमानेंट नहीं निकली, लेकिन अभी हम लोग चलते हैं हमारे लक रॉयल के अंदर, देखते हैं यहां पर क्या आया हुआ है। सबसे पहले हम लोग डायमंड रॉयल देख लेते हैं। यहां पर डायमंड रॉयल में स्पिन मारा और यार ये क्या, मुझे लगा मैजिक क्यूब मिल गया, लेकिन यहां पर हमें फ्रेगमेंट मिला। यार कुछ भी रेयर मत निकल जाइए भाई, क्योंकि हमें अवश्य सभी चीजें वेस्ट करनी है, अगर कुछ भी रेयर मिल गया तो यार कैसे मजा आएगा। तो गाइस यहां पर सारे डायमंड रॉयल के वाउचर्स भी खत्म हो चुके हैं, तो हम लोग देख लेते हैं यहां पर कुछ और बचा है। तो यहां पर देख सकते हैं गोल्ड रॉयल के थोड़े बहुत वाउचर थे, लेकिन इसको वेस्ट नहीं करते क्योंकि यार ये तो फ्री के ही होते हैं। और वेपन रॉयल और इनक्यूबेटर के मैं देख लिया, यहां पे कोई भी इसके पास वो नहीं थे वाउचर, तो गाइस अभी हम लोग चलेंगे जो बाकी के सारे इसके बंडल्स रह गए थे गाइस उसको ओपन कर लेते हैं। गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो ज्यादातर अभी जो पहले से ओन बंडल है वो इसके पास पड़े हुए, मतलब इस बंदे ने ये बंडल्स को दो दो बार निकाला। और यहां पर आप लोग देख सकते हो यार बहुत सारे अच्छे अच्छे बंडल भी है, जैसे कि देख सकते हो यहां पे जैक कैरेक्टर है उसका फुल बंडल भी है। और आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी यार, ये नीचे की तरफ ये क्या है, खाली खाली सा है, कुछ इसके अंदर है ही नहीं, तो देखते हैं यार इसके अंदर हमें क्या मिलने वाला है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो इसके अंदर हमें तीन चीजें मिल रही है, तो यहां पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा हमारे डायमंड रॉयल वाउचर, क्योंकि बाकी दो चीजें तो बेकार ही है। तो गाइस यहां पर हमने टोटली इसकी आईडी की सारी चीजें होती है उसको ओपन कर दिया, ये लास्ट बंडल था। तो गाइस अभी देखना ये है हमने टोटल इसकी आईडी में कितने ढेर सारे बंडल्स ओपन कर दिए और अब इसका कलेक्शन कैसा हो गया। और आप लोगों को इसका थोड़ा सा वेपन का भी कलेक्शन दिखा देता हूं। तो सबसे पहले तो आप लोग यहां पर देख सकते हो M4A1 की 7 स्किन है, जिसमें से एक लेजेंडरी स्किन है। और आप लोग एक का कलेक्शन देख सकते हो, लेवल 7 यहाँ पर एक ड्रैगन एक के, और देख सकते हो कितनी ढेर सारी एक की स्किन है। यहाँ पर आप लोग M14 की भी स्किन देख सकते हो, कितनी ढेर सारी कितनी अच्छी अच्छी स्किन। और बाकी तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितनी ढेर सारी गन्स की यहाँ पे स्किन है इस बंदे के पास। और गाइस मैं आप लोग बताऊंगा इस बंदे ने सारी स्किन ली कहाँ से, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितनी ढेर सारी स्किन है और ईवो वाली गन्स है वो भी सारी मैक्स है। अब यार ऐसा कलेक्शन तो मेरा भी नहीं है, मैं सच बोलूँ ना इतने ढेर सारी गन्स स्किन तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोग बोल ही रखा है मैं ज्यादा टॉप अप फ्री फायर में कभी करता ही नहीं हूँ। ये स्किन आप लोग देख सकते हो ये है MP5 की टॉप वाली इंक्यूबेटर की स्किन। VSS आप लोग देख सकते हो ज्यादा नहीं है, लेकिन MP40 देखो यहाँ पे पोकर MP40 है, कोबरा MP40 भी है, और P90 भी आप लोग देख सकते हो गाइस अभी तक की बेस्ट P90 की स्किन है इसमें। आप लोग देख सकते हो बाकी तो यार CG15 की यहाँ पे कोई भी गन स्किन नहीं है, थॉमसन की 3 स्किन है और वेक्टर की लेजेंडरी वाली गन स्किन है। अब देखो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बोल दिया था भाई इसको देख के आप लोग टॉप अप करने का कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप लोग अभी अर्न नहीं कर रहे हो और अगर आप लोग फ्री फायर में पैसे वेस्ट करते हो तो बहुत बुरा होगा, और ये बस मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। और एक बात याद आई गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो जल्दी जाके फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पे भी मैं बहुत सारे रिडीम कोड्स देता रहता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इस बंदे की आईडी देखने के बाद गाइस आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये बंदा भाई लाखों डायमंड खरीदता होगा फ्री फायर में, लेकिन गाइस मैं आप लोगों को बता दूं ऐसा नहीं है। इस बंदे का आईडी का जो लक है ना वो बहुत बढ़िया है, जिस भी इवेंट में स्पिन करता है इसकी हर चीज बहुत सस्ते में निकल जाती है। इस बंदे ने जो ईवो गन मैक्स करी है गाइस ये भी इसकी बहुत सस्ते में होगा, ये ग्लू वॉल देख रहे हो आप लोग, ये तो इसने टॉप अप इवेंट से निकाली है, बाकी जो इवेंट वाली है इसकी बहुत सस्ते में निकल गई। देखो याद है ना एक चैलेंज मैंने आप लोगों को दिया था 50,000 लाइक का इस वीडियो पर, यार जल्दी से लाइक कर दो गाइस इस वीडियो पर कंप्लीट करने 50,000 लाइक। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग देख लेते हैं इस बंदे के पास कितना ढेर सारा कलेक्शन हो चुका है, कौन कौन से बंडल इस बंदे के पास आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले तो हेयर स्टाइल देख सकते हो, बहुत सारे इस बंदे के पास हेयर और कैप आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये सारे जो न्यू मास्क हमने निकाले जितने भी आपको दिख रहे हैं अभी अभी हम लोगों ने ओपन करे, और ये वाला बंडल आप लोग देख रहे हो यार ये तो मुझे याद भी नहीं कब आया था गेम में। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइस हम लोगों ने और कौन कौन से बंडल्स यहाँ पर ओपन करे। ये देख सकते हो जितने भी मैजिक क्यूब वाले बंडल थे ये सब भी हमने ओपन करे थे, लाइट पास वाले बहुत सारे इसमें बंडल्स हैं, बहुत सारे इवेंट के बंडल्स भी। तो गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों को आज की वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, और आप लोग क्या आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो, और आप लोग बताना आप लोगों को इसकी आईडी में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिले जब हमने इसके सारे बंडल्स ओपन कर दिए। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, और भी ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर देना, और मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।